पलामू झारखंड में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी कहते हैं कि मैं गरीबी में रहा हूं, मैं जानता हूं कि गरीब का जीवन कितना कष्टकारी होता है। पिछले 10 वर्षों में शुरू की गई सभी योजनाएं मेरे जीवन के अनुभवों से प्रेरित हैं। जब मैं उनसे मिलता हूं हितग्राहियों, मुझे खुशी के आंसू आते हैं। इन आंसुओं को वही समझ सकता है जिसने गरीबी देखी हो, संघर्ष देखा हो, जिसने कभी अपनी माँ को धुएं से खांसते नहीं देखा हो, वह इन आंसुओं को नहीं समझ सकता। कांग्रेस के शहजादे मोदी के आंसू में अपनी खुशी तलाश कर रहे हैं, ये लोग हताश और निराश हो चुके हैं। आप भली भांति जानते हैं मैं गरीबी का जीवन जीकर आया हूं। मैंने गरीबी को जिया है। गरीब की जिंदगी कितनी तकलीफ वाली होती है ना, उससे मैं गुजरते गुजरते यहां आया हूं। इसलिए 10 वर्षों में गरीब कल्याण की हर योजना की प्रेरणा मेरे अपने जीवन के अनुभव से जन्म लिया है। जब आज मैं लाभार्थियों से मिलता हूं तो खुशी के मारे मेरी आंख में से आंसू निकल आते हैं और ये आंसू वही समझ सकता है जिसने गरीबी देखी हो, जिसने कष्ट में जीवन गुजारा हो, जिसने मां को धुएं में खांसते देखा नहीं, उसको ये आंसू कभी भी समझ नहीं आ सकते। जिसने अपना पेट बांधकर मां को सोते नहीं देखा, जिसने लोटा भर पानी पीकर मां को भूख मिटाते नहीं देखा, जिसने अपनी बीमारी को छिपाते नहीं देखा, शौचालय के अभाव में पीड़ा और अपमान सहती मां को नहीं देखा, वो मोदी के इन आंसुओं का मर्म नहीं समझेगा। लेकिन भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस के साजिदे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। ये निराश हताश लोग अब इतने कुंठित हो गए हैं। एक कहावत है, जाके जाके पांव न फटे बिवाई, जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है। वो तो गर्व से कहते हैं कि उनके घर में कई प्रधानमंत्री थे, खुद चांदी के चम्मच से खाते रहे, गरीब की दलित आदिवासी की झोपड़ी में फोटो खिंचवाते रहे, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं किया। मोदी के 10 साल के सेवा काल में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं, इसलिए वो आज भाजपा को आशीर्वाद दे रहे हैं। यही मेरे गरीब भाई बहन है, उन्हीं के आशीर्वाद, यही तो मेरी शक्ति है, यही तो मेरी पूंजी है।